बस बहन, बस बहन, माइक लो बहन। कहाँ से हैं? सागर से हैं। सागर से? सागर में कहाँ से? सागर में पीटीएस क्वार्टर में, मेरे हस्बैंड पुलिस पोस्ट में रहते हैं, क्वार्टर में। कुल देवता कहीं और हैं क्या आपके? जी हाँ, जबलपुर में। यहाँ नहीं है क्योंकि सागर में आपके कुल देव स्थापित नहीं है। जी नहीं। और आपने उनको दूसरी जगह, जबलपुर में, जबलपुर ससुराल जबलपुर में, यहाँ तो सर्विस में रहते हैं हम। हाँ, कैसे हमारे वाईफाई में सिग्नल उल्टे आ रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छे से। नजदीक आई। पूछो बहन, क्या प्रश्न है आपका? महाराज जी, मैं इसलिए आई थी क्योंकि मेरी बहन है ना, दो दिन तीन दिन से ये हो रहा है, काफी टाइम से उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। अब वो घर छोड़ के चली गई है और वो उसी से करने की जिद पे अड़ी हुई है। लेकिन ये चमत्कार है कि मैं आपके यहाँ जैसे ही आई हूँ, मुझे फोन आया कि वो घर आ गई है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि वो उस लड़के से ना करे, ना तो वो वेल सेटल्ड है। हमने ऐसा लिखा, बहन से हैरान है, बहुत दो साल पहले से अफेयर उनका चल रहा है, दूसरी जगह शादी हो जाए, ऐसी अर्जी लेकर के आई है। आपने बैठते ही अर्जी लगाई थी तो बहन आपकी तुरंत घर पर वापस आ गई है, जो भग गई थी। जी जी, मैं अपने घर से ही लगा के आई हूँ। अब गुरुजी कह रहे हैं कि उनका चित्र अथवा उनको आप ले आइए, मन बालाजी ने चाहा तो कट जाएगा। बालाजी आप ऐसी कृपा करें, वो हम लोगों से मतलब ही नहीं रखना चाहते। आप हमें चित्र भर दे दो, हम कर ही तो पाए। जी बालाजी, और मैं ये पूछ रही थी कि मैं सरकारी नौकरी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और मेरे आप तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। जी जी पंडित जी। अच्छा, सेवा भाग में? जी हाँ। काय की तैयारी की है? MPPSC। ये क्या कहलाती है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सरकारी। हाँ, हमने ऐसा लिखा। इंजीनियर जॉब योग में आप लोक सेवा आयोग में चाहते हैं। जी, आगे तैयारी तेज करो, अभी वर्तमान में कमजोर है। जी, जी। एक साल से मन अभी आपका उच्चाटित है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं और साथ में स्वास्थ्य की भी दिक्कत बीच बीच में बन जाती है, क्लेश भी बीच बीच में घर का बन जाता है, जिसको लेकर के बहुत स्ट्रेस में हो गए थे, अब उभर आए हैं, उससे बाहर आ गए हैं। बहन आप तैयारी तेज करो, हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि अगर अखंड रामायण का पाठ अमावस्या को घर पर सुनाओ तो बहन तो सुधर ही जाएंगी, आपकी तैयारी भी तेज हो जाएगी। आशीर्वाद। पंडित जी, एक और चीज, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए भी इच्छा कर रही हूँ, पुत्र प्राप्ति के लिए, मैं दूसरी संतान चाहती हूँ तो पुत्र प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति के लिए भी कर रही हूँ, संतान चाहती हूँ। बड़ा चमत्कार ये है कि मैं फर्स्ट टाइम, मैंने अभी तक आपको यूट्यूब पे भी कभी सुना नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ अपने घर से आपके लिए सिर्फ लगा के आई थी अर्जी, और मैं यहाँ बैठी थी और जस्ट मैं सोच रही थी कि क्या पता नंबर आता है कि नहीं आता है मेरा। अरे, और हमको यूट्यूब पे भी नहीं देखा? नहीं देखा। टीवी पे? नहीं, मैंने सिर्फ सुना है आपके लिए। अच्छा, केवल सुना है? हाँ सुना है। अच्छा, और आज मतलब नहीं आते आते भी मैं आई हूँ, सब कुछ होता गया। अरे बाबा, धन्यवाद धन्यवाद, खुश रहो बहन। सीताराम, हमारे बालाजी है ही है कबाड़ी, बहुत उल्टे हैं, बता लो। जिनने कबो टीवी पहले नहीं देखो उनकी अर्जी लगा दे, जो सालन से हैरान है उनकी सुननी रहे, तुम भी विचित्र ही हो, तुमसे भगवान ही बचाए। आइए, भाई साहब राम राम। बस भैया भैया भैया, उठ बैठ, माइक ले लेते हैं तो सीधो। कहाँ को आए? त्यागराज। अरे अरे, क्या नाम है? विनय। विनय, तुम इतने क्या कर रहे? लास्ट में है तो? एकदम पीछे। माइक से बोलो। एकदम पीछे गुरुजी। अरे अरे, यहाँ कहीं नाम आम लिखवा हो तो? होगा कुछ नहीं गुरु, हमें कैसे पता चल गया? अरे सब हमारे गुरुजी है ना, देखो पीछे। हाँ, ये बालाजी की महिमा है, चमत्कारी है गुरुजी, आपके सामने बैठा हूँ। अरे अर्जी तो लगा लें दे, पर तोरी सुन ले हूं कक्का। अच्छा लो, अब चुप रहियो। पहली बार आए हैं? हम धाम पे कई बार गए हैं। धाम पे गए हैं? दरबार में बनारस एक बार गए थे। अच्छा, बनारस बहुत पहले जब पितृपक्ष में हुआ था एक साल। जी।
अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर धाम पे एक दो बार गए हैं दरबार में। कोई बात नहीं, अब प्रश्न करिए अपना, क्या बात पूछने आए हैं? काम वगैरह मेरा सारा ठप हो गया है। ठीक। बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। ठीक। परिवार का बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी है हम उसको निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, कर्ज कितना हो गया है, इसमें संख्या लिख करके आई है जी, करोड़ों में। कितना? 1 करोड़ के अंदर। आइए नजदीक, झूठ बोला आपने। मन बड़ा शांत, कर्ज है, घर पूरा परेशान है, कोई सपोर्ट नहीं करता, कर्ज चुकेगा 2025-28 मई तक। आपके ऊपर जो है 87 लाख के ऊपर का कर्जा लगभग में वर्तमान में हो गया है, जो चुक जाएगा आशीर्वाद है। गुरु जी एक प्रश्न और, हम कार्य कौन सा करें, जो कार्य करते हैं अभी बताते वही करें, और ये अचानक में कैसे क्या हो गया? हम पूरा परिवार, दोनों बता, परिवार पूरा बिखर गया मेरा, एक बच्ची हुई तब से ही सब, मार्च से हम अगले साल से पूरा परेशान है। सीताराम, एक लड़का और एक लड़की है, सबसे घर में छोटे हम ही हैं, करने धरने वाले हम ही, गाय का काम करते थे, गाय का काम हमने ऐसा लिखा, आज से 2018 में ये चीज हुई है, फिर ये हुई है, दोनों एक साथ, पहले ये किया तो बंद गया, फिर ये किया तो सब बर्बाद हो गया और दिमाग बिखर गया, दिमाग बिखरा तो फिर निर्णय लेने की क्षमता शून्य हो गई। साथ में नया काम कंस्ट्रक्शन या अलग चीज का आप कर सकते हैं, जिसकी तरफ आपने सोचा है, ये काम यही है, इसी से आप सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा भर, लिटिल में, मतलब इस पर फुल फोकस ना करें, क्योंकि इसमें अभी बंधन ही है, जब तक बंधन नहीं कटेगा कोई लाभ नहीं, वो हम चर्चा करेंगे। एक ये है, इसको भी थोड़ा सा बीच बीच में ध्यान देना है, बहुत कंट्रोल, क्योंकि गलत लोग, अब बाहर के तो होते नहीं है, अब ऐसा तो हम अभी बंद किए हैं, नाम आम बताना किसी कारण बस, ठीक है, माइक ले लो, जी, जी, नाम जी, नहीं लेना है, नहीं, ना इनके बारे में कहना है, इन्हीं ने तंत्र विद्या करवाई है, जाओ अब नहीं चलेगी, आशीर्वाद है, बोलो बागेश्वर धाम की, हमारा बताना नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से, हमने बंद भी इसको काट भी दिया है, हम अभी काम यही करते हैं, बिल्कुल आज्ञा, कवच हम धाम पे, चलो हाँ पीसी में तो आना ही पड़ेगा तुम्हें, बोलो बागेश्वर धाम की, आओ प्यारे, लीजिए माइक लीजिए, बोलो बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहाँ से आए हो? जी सर, मकरोनिया से आए गुरु जी। क्या नाम है? अभिषेक विश्वकर्मा। नजदीक आओ, बोलो क्या बात है? सर घर में जीजा जी की अंगूठियां खो गई, सोने की, बहुत कीमती थी। कितनी? 3 अंगूठी सर। ठीक, और किसके घर में? हमारे ही घर में गुरु जी, और काफी टाइम से मिल नहीं रही है, घर ही में मम्मी ने रख दी थी गोदरेज में, तो घर ही के घर में बोलोगे चोरी हो गई, और क्या हुआ, गुम गई कि क्या हुआ सर, उस तन से पता नहीं है गुरुजी। सर घबरा रहा हूँ मैं बहुत गुरुजी, पहली बार आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं, तो सर हिम्मत नहीं पड़ रही गुरुजी के सर बोलू के गुरुजी बोलू फिर भी गुरुजी। और कोई बात? पत्नी की तबीयत खराब है, और मम्मी पापा का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है,
और बहन की शादी होनी है तो उसकी चिंता बहुत हैरान है। माता पिता बीमार बने हैं, घर में एक न एक को विघ्न बना है, पत्नी को भी दिक्कत बनी हुई है, चोरी हुई रिश्तेदार की सामग्री घर के ही सदस्य ने उठाई है।